से पहले मेरे को उठा लेता है भगवान। डॉक्टर साहब बड़ी टेंशन हो रही है। ओ पेन की इतनी कोई टेंशन लेता है क्या यार? अरे क्यों ना लू टेंशन भाई, हमारा खानदानी पेन था, पता कितना कीमती पेन था वो? कितना कीमती था? अरे बहुत कीमती पेन था भाई, हमारे खानदान की निशानी थी। उस पेन की वजह से मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। पेन की वजह से कभी किसी दादा की डेथ होती है यार? हुई थी, मेरे दादाजी ने लव लेटर लिख के ना पहलवान के बाथरूम में फेंक दिया। अंदर था पहलवान, उसने वो पकड़ लिया, उसने पकड़ के मेरे दादा को बहुत मारा। बाद में पता चला पहलवान तो अनपढ़ था। यार जब पहलवान अनपढ़ था तो तेरा दादा कैसे मर गया? मेरा दादा है ही इतना बसूरत है, मेरा खुद दिल करता उसको मार दूं। हाँ वो तो आपकी शक्ल से पता चल ही जाता है। अरे मैं तो कुछ नहीं, मेरे मम्मी डैडी मेरे से बसूरत है। मेरे डैडी तो माथे पे लिखवा के घूमते थे यहाँ थूकना मना है। डॉक्टर साहब आप ये सब छोड़िए, मेरे पति का इलाज कीजिए। इलाज करते इलाज करते मैं भूल ही गया था मैं डॉक्टर हूँ भाई। हाँ जी बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है? डॉक्टर साहब ये है ना, बहुत छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं। अब बताइए, हमारी पिछले महीने फैक्ट्री में आग लग गई, सारे गार्मेंट जलकर खाक हो गए, अब इसमें कौन सी टेंशन लेने वाली बात है बताइए आप मुझे। यार कमाल की बात है, मेरी फैक्ट्री में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी, मैं टेंशन ना लूं। तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, घर में दूसरे कपड़े पड़े होते वो पहन लेते, नहीं तो मेरे घर में पड़े मेरे से ले लो। बदतमीजी है बताओ ये। और यार मैं यहाँ पे कपड़े मांगने थोड़ा आया हूँ, अपनी टेंशन का इलाज करवाने आया हूँ, और अगर मेरी टेंशन का इलाज ना हुआ तो मैंने डिप्रेशन में चले जाना है। नहीं बड़ी अच्छी बात है, अगर अच्छी जगह है तो घूम के आओ, मेरे को भी बताओ मैं भी घूम के आऊंगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, डिप्रेशन बीमारी है, घूमने की जगह नहीं है। डिग्री है ना आपके पास? हाँ डिग्री है, डिग्री क्यों नहीं है, ये देखिए डिग्री है मेरे पास, ऐसी कोई बात है? एक मिनट दिखाओ जी, हमें पढ़ना भी आता है इतना तो। ये फोटो तो किसी और की है, आप कोई और हो? नहीं मेरी है, बचपन की है, पता नहीं चल रहा। और यार ये डिग्री तो नकली है डॉक्टर की, यार तू भी कमाल है बता। अरे ऐसे कैसे नकली है, 10,000 रुपया दे के लिए मैंने, नकली थोड़ी है। ऐसे तो आप मतलब शोर मचा कर पुलिस को बुला लेंगे, मेरे को पकड़ा देंगे, मेरा धंधा बंद कर, बड़ी टेंशन हो रही है मेरे को भाई। और डॉक्टर साहब आपकी अपनी टेंशन तो खत्म नहीं हो रही, दूसरों की क्या खत्म करोगे यार आप है? आपको आता जाता कुछ है? अरे नहीं जी, तो जाके चंकी पांडे से पूछ लो, उसकी टेंशन भी मैंने दूर की है। कैसे? मैंने उसको बताया भाई तेरा जितना बनता था ना तूने उससे कई गुना ज्यादा कर लिया, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे क्या है भाई, ये बताओ कि आपको ये चंकी पांडे कहाँ मिल गया? पागल खाने में है? हाँ जी, इवन हम तो भागे भी इकट्ठे ही है। तो मतलब आप पागल खाने से भागे हो? अरे नहीं नहीं इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, अब तो 23 घंटे हो चुके हैं। डॉक्टरों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, कोई नहीं हिलेगा। डॉक्टर साहब आपने चारों तरफ से नहीं एक तरफ से ही घेरा यार है? अरे वो पागल है, उसको थोड़ी ना पता है ये सब। तुम पकड़े गए। ये गलत बात है, ये गलत बात है, हर बार मैं भागता हूँ आप पकड़ लेते, ऐसा थोड़ा होता है। तुम पकड़े गए लेकिन। नहीं ऐसा नहीं हो रहा, देखो मेरी बात सुनो, इस बार पकड़ा गया मैं, अगली बार आप भागोगे मैं पकड़ूंगा। ठीक है चलो वहाँ जाके खेलते हैं हॉस्पिटल। नहीं नहीं यहीं से खेलना शुरू करेंगे। नहीं वहाँ जाके खेलते हैं। नहीं नहीं खेलना फिर मैं। चलो 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 यहीं से खेलते हैं। ठीक है पकड़ोगे? चलो चलो मैं 1 2 3 बोलूंगा तब। ठीक है ठीक है रेडी ओके आप खेलेंगे? चलो ठीक है रेडी 1 2 3 हेलो। ऐसे पागल है, पागल की बातों पे यकीन कर लिया। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी नहीं बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभी मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।